अंग्रेज जो थे ना अंग्रेज, वो कभी खुल के नहीं आते, जिन विभाजन का बस वही एक कारण था जिन्ना। और एक और कारण क्या था, 1916 में कांग्रेस अधिवेशन में मानना ही नहीं चाहिए था पृथक निर्वाचन को, और गांधी रहते तॉनसन पे बैठ गया रहते, लेकिन मान लिए अब कोई चीज मान लिया गया तब उसको चेंज कराना दिक्कत होता है। देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ ना तो कई चीजें उभर कर सामने आ गई जिसका अंदाजा अंग्रेजों को भी नहीं था। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो अंग्रेज विभाजन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन अंग्रेजों की एक स्ट्रेटजी है कि जहां से जाओ उस जगह को बर्बाद करके जाओ, इसलिए वो विभाजन तो करते, अफगानिस्तान का कर चुके थे, म्यांमार का कर चुके थे, लेकिन धार्मिक आधार पर करते ये उनकी कोई मंशा नहीं थी। इस बीच द्वितीय विश्व युद्ध जैसे खत्म होता है तो ऐसा विश्व करवट लेता है जिसका कोई हद नहीं, जापान पूरी तरह से तबाह हो जाता है और यहां पर कम्युनिस्ट सरकार आ जाती है, कम्युनिस्ट सरकार आती है, और रूस में भी कम्युनिस्ट सरकार। कम्युनिस्ट सरकार में चुनाव नहीं होता है और वो लोग लोकतंत्र के खिलाफ रहते हैं, लोकतंत्र के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ रहते हैं। जैसे चाइना, वहां स्वतंत्र मीडिया नहीं है, स्वतंत्र मीडिया नहीं है, चाइना के खिलाफ रहते हैं वहां पर। तो ये दोनों, दो ये भी कम्युनिस्ट हो गया, ये भी कम्युनिस्ट हो गया, अब ये दोनों मिलके अमेरिका के खिलाफ और पूरे यूरोप के खिलाफ हो गए, क्योंकि यहां डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी वाले का कम्युनिस्ट से जमता नहीं है। कम्युनिस्ट में क्यों रहेगा, तो सी जिनपिंग को देखिए ना, चुनाव नहीं होता, पुतिन को देखिए चुनाव नहीं होता। चुनाव जब होगा ना तो सरकारें जनता की चीजों को ध्यान से समझेगी, इंटरनेशनल शांति चाहेगी, क्योंकि जनता अल्टीमेटली क्या चाहती है, शांति। अब यहां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा सिनेरियो चेंज हो गया, यहां पर अब क्या करना है, इस कम्युनिस्ट को रोकना है, इस कम्युनिस्ट को रोकना है, अब कैसे रोकिएगा। तो उस कंडीशन में एक ही इनको देश दिख रहा था, इंडिया, इंडिया ही रोक सकता है, लेकिन इंडिया भी किसके फेवर में जा रहा था, रूस के फेवर में, किसके फेवर में, रूस। और यहां पर उन्होंने बैठा दिया इजराइल को, किसे बैठा दिया, इजराइल को। तो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड किसके खिलाफ हो गए थे, सब यूरोप वालों का, तो यूरोप वाले के दो बार खिलाफ हुए थे सब पूरे मुस्लिम वर्ल्ड यहां पे, एक खिलाफत आंदोलन में जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ, और एक फिलिस्तीन को लेके जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। तो उसने देख लिया था एक चीज को बहुत भली भांति कि उनके सामने एक समस्या है, ये अरब वाले अगर एक हो गए तो यूरोप वालों के लिए दिक्कत हो जाएगा, और अगर भारत स्वतंत्र हो रहा, भारत टेंशन फ्री रहा, तो ये तीनों अगर एक हो गए तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। उस समय पाकिस्तान, चाइना कब्जा नहीं किया था हम लोगों के ऊपर, इसलिए उसको लगा कि भाई साहब ये गड़बड़ हो जाएगा यहां पर। तो इन अरब वालों को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या बनाया, इजराइल। तो ये पश्चिमी एशिया, मिडिल ईस्ट को कंट्रोल किधर से करेगा, इजराइल से, इजराइल से कंट्रोल करेगा। अब फिर इसको कंट्रोल करने के लिए उसने पाकिस्तान लाया था, क्या लाया, पाकिस्तान। उनकी मैच फिक्सिंग हो गई। सोचिए हम लोग अभी राज्य राज्य खेल रहे हैं और देश देश खेल रहा है सब, हम लोग अभी यूनिवर्सिटी खुलना चाहिए कि नहीं, मगध यूनिवर्सिटी का पेपर सिलेबस सही से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिहार एसएससी का पेपर कैंसिल होना चाहिए, सोचा देश देश खेल रहा है सब, इस देश को मारते हैं यहाँ पे। और शुरुआत से उनकी टेक्निक यही रही है, हमेशा से वो इजराइल को हथियार दिए हैं और कहें अरब वालों को मारो, अरब वालों को इतना मारता है दौड़ा दौड़ा के यहाँ पे जिसका कोई हद नहीं, जीना आराम किया है फिलिस्तीन वालों को। उसके बाद से अंग्रेज आएंगे, फिलिस्तीन वालों को ब्रेड देंगे, खाना पीना देंगे, कब मार दिया तुमको, गलत किया, काहे मारा तुम यहाँ फिलिस्तीन में, काहे मारा यहाँ पे, बाकी अरब देश वाले फिलिस्तीन के साथ गलत हो रहा है। इन लोगों ने फिलिस्तीन के लिए किया क्या है, एक ना स्कूल खोला है बढ़िया, ना कोई यूनिवर्सिटी खोली है, ना कोई हॉस्पिटल खोला है, दुआ मांगे हैं सब बस फिलिस्तीन के लिए अच्छा हो, ज्यादा दुआ मांगने से वहाँ क्या हो रहा है, कोई ठोस कदम नहीं उठाया है किसी ने फिलिस्तीन के लिए। तो यहाँ मारा वहाँ पे, समझ में आ गया, और अमेरिका, और हथियार दिया किसको, पाकिस्तान को, इस साइड में किसने हथियार दिया, पाकिस्तान। आज भी देखिएगा, आज भी यही कंडीशन है, वो रशिया को बैलेंस करता, हम गए खरीदने रूस से S-400, अमेरिका ने मना किया मत खरीदो, तो भारत ने कहा खरीदेंगे, अमेरिका का ईगो हर्ट हुआ, कहा कोई बात नहीं, पाकिस्तान को दे दिया F-16, पाकिस्तान को क्या दिया, उनका ये चेक एंड बैलेंस है। अब भारत कभी भी खुल के भारत अमेरिका के खिलाफ जाता ही नहीं है, क्योंकि जहां खुल के अमेरिका के खिलाफ जाएगा, रूस के जहाज पुराने पड़ चुके हैं और अमेरिका के जहाज मॉडर्न है, रूस के जहाज बड़ी लड़ाइया में अभी नहीं उलझे हैं और अमेरिका हर साल कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ता है, तो उसके हथियार एडवांस है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। तो भारत जहां और ऐठेगा तो उसको F-18 दे देगा,
समझा कि हमेशा काट देता है। इसलिए देखिएगा भारत कभी भी अमेरिका से जहाजे नहीं खरीदता है, लड़ाकू जहाजे, क्योंकि हमको देगा ना तो उसे एडवांस किसको दे देगा, पाकिस्तान को। फिर हम लोग कहेंगे ना तो कहेगा अच्छा आपको इससे एडवांस दे देते हैं, ये ले लीजिए। इसलिए हम लोग उसको लेते ही नहीं है। अभी F-18 हमें दे रहा था, सोचिए F-16 किसको दिया, और F-18 टेस्ट के लिए किसको दे दिया, नेवी को। लो टेस्ट करो, टेस्ट करो, टेस्ट करो, टेस्ट करो, देख रहे हैं। हम लोग को F-18 ले लेंगे तो इसको F-22 दे देगा। तो भारत ने इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। राफेल मरीन खरीद रहा है भारत, क्या खरीद रहा है, राफेल मरीन। तो पाकिस्तान को एक ऐसे लोकेशन पर बैठाया गया जानबूझकर जहां से वो साउथ एशिया को कंट्रोल किया जा सके। और वेस्ट एशिया को किसे कंट्रोल करता है, इजराइल से। अब बच गया कौन सा, ईस्ट एशिया, ये वाला एरिया चाइना जापान, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो बहुत खतरनाक स्थिति था। तो यहां आपको समझ में आ गया, वेस्ट एशिया किससे कंट्रोल हो रहा है, साउथ एशिया पाकिस्तान से। अब इधर इसको कैसे कंट्रोल करना है, तो समझिए ध्यान से। जापान पे परमाणु बम मारा तो जापान की हालत खराब हो गई, तो अमेरिका ने कहा कि फिर परमाणु बम मार देंगे, हमसे समझौता कर लो कि तुम अपनी सेना नहीं रखोगे, बदले में पूरी जिंदगी हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। जापान के ऊपर परमाणु बम गिरा था, इतना खौफ में थे वहां के लोग, इतनी बुरी मौत हुई थी कि उसने साइन कर लिया कि जापान अपनी सेना नहीं रखेगी, उसकी मदद सेना से कौन करेगा, अमेरिका। तो आज भी जापान की सेना कौन मदद कौन करता है, अमेरिका। और दक्षिणी कोरिया का भी अमेरिका। अब देखिए दक्षिणी कोरिया ज्यादा उड़ने ना लगे, ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं दक्षिणी कोरिया में, सब क्या है पढ़े लिखे, ज्यादा उड़ने लगेगा दक्षिणी कोरिया, अमेरिका जाओ तुम, तुम्हारी क्या जरूरत है, तो अमेरिका पीछे हट जाएगा। उत्तरी कोरिया किंग जोंग कहेगा परमाणु बम मार देंगे, तो साउथ कोरिया कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि इनका काट क्या है, नॉर्थ कोरिया, और जापान से तो एग्रीमेंट ही हो रखा है। तो पूरी तरह से एशिया को कंट्रोल कौन करके रख रहा है, इधर से इजराइल, इधर से जापान, इधर से पाकिस्तान, और वेस्ट से, यहां से कंट्रोल करने के लिए उन्होंने यूक्रेन को चुना था। किसे चुना था, यूक्रेन। पुतिन कहा कि इतिहास, बाप रे बाप, सच बात नहीं, हमरा से पंगा यूक्रेन, हमको कौन चीज समझाया यहां पे, एशिया वाला मारो ससुराल, थूर दिया, थूर दिया कि नहीं थूर दिया। आप देखें हम कभी भी रूस का पुतिन के इस काम का विरोध किए हैं, हमको पता है कि वो अगले 100 साल के लिए सोच रहा है आदमी, चारों ओर से घेर लिया है, पूरा चारों ओर से। जब देश आजाद करके गया था तो हिंद महासागर में एक द्वीप था डिगो गार्सिया, वो अंग्रेज इसको आजादे नहीं किए था। यहां केवल और केवल फौज रहती है ब्रिटेन की और अमेरिका की, पूरी चारों ओर से क्या करके रखे हैं, घेरे हैं सर। वो इंडिया के लिए कभी नहीं सोचेगा सर, इंडिया को अमेरिका और यूरोप केवल बैलेंस करने के लिए सपोर्ट करता है सर, कि चाइना को बैलेंस कर सके सर, कहता है चाइना को बैलेंस करने के लिए। भारत भी बहुत होशियार है, कहता है बैलेंस करना रहेगा तो हम अपने दम पे कर लेंगे, हम अपना तेजस बनाएंगे, ब्रह्मोस बनाएंगे, जो भी बनाएंगे। इनकेस अगर हमें साथ लेना पड़ा तो हम रसिया का साथ लेंगे, लेकिन तुमसे बोलेंगे नहीं क्योंकि तुम ही से सीखे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हम खुल के किसके साथ रहते हैं, रसिया के साथ, लेकिन बोलेंगे नहीं क्योंकि हम किससे सीखे हैं, अंग्रेजों से ही सीखे हैं। इसलिए देखिएगा भारत रसिया के साथ रहेगा, लेकिन कोई पूछेगा क्या आप पुतिन के साथ है? हमारे बायलेटरल रिलेशन अच्छे हैं रसिया के साथ, आपके साथ भी तो अच्छे हैं। समझ में गया, किससे सीखे हम लोग, अंग्रेजों से सीखे, ठीक नहीं सीखे हैं क्या, एशिया को पूरी तरह घेर के रखे हैं और एशिया के लोग यहां कुछ नहीं कर पाए। रूस पहुंच गया था कहां पर, क्यूबा में, और यहां मिसाइल लगा दिया था, यहां क्या लगा दिया, परमाणु मिसाइल। अमेरिका ने क्यूबा के लोगों को इतना पैसे दिए, अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया, स्मगलिंग कराया, ड्रग सप्लाई कराया, नकली नोट पहुंचाया, क्यूबा की अर्थव्यवस्था गिर गई, फिदेल कास्ट्रो वहां से, वहां की सत्ता ने उन्हें हटा दिया। आज क्यूबा अमेरिका के साथ, समझ आ गया कि नहीं, इतना खतरनाक रहता है अमेरिका का। तो ये पूरे वर्ल्ड के इन लोगों का एरिया है। हम लोग के यहाँ जैसे मंत्रालय है ना चुपचाप विदेश मंत्रालय को, वहां के विदेश मंत्रालय में अलग अलग डिपार्टमेंट है, ये मिडिल ईस्ट देखते हैं, देखते नहीं है, ये देखते हैं कि इसको चौपट कैसे किया जाएगा, मिडिल ईस्ट को, इसको, इसको, और सबको मार। देखिए 9/26/11 हमला हुआ, हुआ ना हमला हमारे ताज होटल पे, ताज होटल पे हमला हुआ, आज तक हाफिज सईद घूम रहा है। अगर हम लोग उधर हमला कर देंगे ना, मानव अधिकार का हनन हो गया, ऐसे गलत हुआ, अमेरिका को, अमेरिका चलाएगा। कश्मीर में ऐसा नहीं होना चाहिए, और खुद कश्मीर में ऐसा नहीं होना चाहिए, तो खुद अफगानिस्तान में घुस के तुम क्या किया था,
हम अपने देश में नहीं कर सकते, तुम दूसरे देश में कर दिया था। इनकी किसी की कोई हमदर्दी नहीं है। चेक बैलेंस समझते रहिए, यहां हो गया। इसलिए भारत भी बहुत होशियार है। भारत अपना रिलेशन किससे रखता है ठीक ठाक? इजराइल से। अरब वाला घुसिया जाते हैं सब, अरे इजराइल से तुम रिलेशन रख रहा है, हमारा दुश्मन है। कहा नहीं नहीं नहीं, हम तो जान बुझ के रखते हैं कि कभी आप लोग में विवाद हो तो हम सुलझा दें इधर से, हम पेट्रोल आप ही से खरीदते हैं। समझा गया कि नहीं? बैलेंस करके रहा, तुम लोग की लड़ाई में हम काहे को मरने जाएंगे यहाँ पे, किसी को दिक्कत? तो ये अंग्रेजों की बहुत लंबी नीति होती है। ये IR में और डिटेल से पढ़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन में। दक्षिणी कोरिया को बहुत सुंदर होगा, मतलब टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है दक्षिणी कोरिया का। दक्षिणी कोरिया के लड़का मेकअप करता है ज्यादा, साउथ कोरिया का लड़का ज्यादा मेकअप करता है, लड़कियों से ज्यादा मेकअप साउथ कोरिया में। इंडिया का लड़का तो खुदे अच्छा होता है, मेकअप की क्या जरूरत है। लड़की से एकदम अंदर अंदर जल गई है एकदम, यहां एकदम अच्छा नहीं होता ऐसा लड़का सब। हाँ, सबको मेकअप की जरूरत ही नहीं है, ऐसा बात नहीं। उसको पता है कि मेकअप काम नहीं करने वाला उसके ऊपर। हम क्रीम लगाते थे, क्रीम में काला हो जाता था। आगे बढ़ जाए।